अभी आपने जेएनयू प्रोटेस्ट देखा, आप इस प्रोटेस्ट को किस नज़र से देखते हैं? जी मैडम, मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ, मैं गुजरात से आया हूँ, अभी मानव संसाधन विकास मंत्रालय में एक्सपर्ट के रूप में आया हूँ। प्रोफेसर के नज़रिए से मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि ये राष्ट्र विरोधी ताकतें जो इसके पीछे लगी हुई हैं वो निश्चित तौर पर देश के लिए खतरा है, और इसका मन से हर किसी को विरोध करना चाहिए, हर किसी को इसके राजनीतिक लाभ के लिए, क्योंकि देश नहीं रहेगा तो फिर राष्ट्र नहीं है, तो फिर कोई मतलब नहीं है। सर, और अभी आपने प्रोटेस्ट देखा? जी देखा। उनका झंडा देखा आपने? जी, देखा। रेड कलर का? जी, देखा। और हमारे देश का झंडा आपने देखा होगा, भगवा सफेद, इन सब जी तिरंगा, लेकिन इनका झंडा ही अपना झंडा अलग नहीं, उसका कारण है मैम, उसका कारण है कि मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मैं प्रोफेसर होने के नाते, लेकिन ये सच है कि उसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी है जो इस देश को तोड़ना चाहती है। और मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र में पॉलिटिकल पार्टी होना आवश्यक है, लेकिन देश को बेक कर या देश की बुराई करके अगर पॉलिटिकल पार्टीज कोई काम करती हैं तो वो नहीं होना चाहिए। छात्र आंदोलन, क्योंकि मैं प्रोफेसर हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में रहता हूँ, मैं देखता हूँ, छात्र आंदोलन होना चाहिए, फीस बढ़े घटे ये छात्र और उस प्रशासन के बीच में है। सर, आपने छात्र आंदोलन देखा है? जी, क्या ऐसा होता है? ऐसा होता है आंदोलन? नहीं, ये आंदोलन नहीं है, ये नहीं, ये देश के तोड़ने, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन होना चाहिए और सरकार को इसका उपाय भी ढूंढना चाहिए। लेकिन अगर देश विरोधी नारे तोड़ के, तिरंगे का अपमान करके, अपने प्रधानमंत्री, कोई नरेंद्र मोदी जी नहीं, प्रधानमंत्री पदेन होता है, उसकी बुराई नहीं करना चाहिए। देश की शान है, देश की कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे वो नरेंद्र भाई मोदी जी हो या कोई अन्य हो, लेकिन फी हाइक को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन इसमें स्वामी विवेकानंद जी को लेकर कहां से तालमेल है कि उनकी प्रतिमा को ठेस पहुंचाया गया? मैं इसका भरपूर खंडन करता हूं। कोई भी हमारा महापुरुष है, उसके प्रति ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए। ये भरपूर स्वामी विवेकानंद जी हमारी शान है, और उन्होंने अभी नहीं, बरसों बरस पहले भारत का तिरंगा अमेरिका में शिकागो में लहराया था। ऐसे व्यक्तित्व को जो कि भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करते हैं, उनका अपमान किसी भी छात्र को नहीं करना चाहिए। अभी आपने जेएनयू छात्र का प्रोटेस्ट देखा होगा, आप इस प्रोटेस्ट को किस नज़र से देखते हैं? देखिए, एक जेएनयू वालों के लिए 5000 पुलिस लगा दी गई, पुलिस भी लगा दी गई, सेना भी लगा दी गई, और उन्हीं के साइड में जैसे वो लाइन बना के जा रहे थे, वैसे हम भी लाइन बना के जा रहे हैं। हम जैसे राम बोलते हुए जा रहे तो हमें रोक दिया गया। ये फर्क देखिए सरकार का, ये फर्क देखिए पुलिस वालों का, कि हम जय श्री राम नहीं बोल सकते हैं, कह रहे भैया आप लोग दंगा कर दोगे, और वो खुले आम भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगा के जा रहे हैं उनके सामने, उससे दंगा नहीं होता इन लोगों का। ये कहते हैं अभी लोग सबूत मांगते थे, मैंने बहुत सालों सुना कन्हैया नहीं बोला, क्या सबूत है, इसने बोला क्या सबूत है, अभी हमारे सामने ये भारत तेरे टुकड़े होंगे और प्राइम मिनिस्टर को गाली देते हुए जा रहे थे। अब ये तो मैंने सुना है ना, इस पर भी सरकार एक्शन नहीं लेगी, कहेगी आपके पास वीडियो है, कोई वीडियो जारी किया आपने, आप दिखाओ हमें तब एक्शन लेंगे। वो भी छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको कई सालों से चाहिए आज़ादी। ये कहते हैं कि हमें 10 रुपये महंगे हैं, हम 10 रुपये हमारे पास नहीं है, आप बहुत बड़े गरीब हो, चलो ठीक है, गरीब पैंट फटी होगी, चप्पल में आए होंगे, फटी टी शर्ट पहन के आएंगे, भाई गरीब बंदे तो ऐसे ही चलते हैं, मैंने तो नहीं देखा कि एडिडास और रिबोक का जूता पहन के चलेंगे, रिबोक और H&M के कपड़े पहन के आएंगे, 10,000 के नीचे किसी के हाथ में मोबाइल नहीं था, वो गरीब थे। उसके बाद उनको गरीबों को करना क्या था, ऐसी डिग्री लेके आते हैं जो साला मैंने पूरे भारत में किसी से नाम ही नहीं सुना। उनकी पढ़ाई होती है जब कि मोदी जी फ्रांस जाएंगे, वहाँ की कंपनी लाएंगे, तब हम उन अंग्रेजों से फ्रांस की लैंग्वेज में बात करेंगे। मतलब मोदी जी 20 साल बाद कंपनी लाएंगे, तब तक वो मर चुके होंगे, उनकी आत्मा आके जॉब करेगी, ऐसी वो डिग्री करते हैं। सर, अभी आपने प्रोटेस्ट देखा, हमारा तिरंगा है और उनका झंडा आपने देखा होगा रेड कलर का, क्यों अपना झंडा लगा? ऐसा तो देखो, एक कश्मीर में होता था, वहाँ पे 370 लगानी पड़ी, अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि जेएनयू में हम क्या लगाएं, क्योंकि जेएनयू में समझ में नहीं आ रहा है कि उनका अलग ही चल रहा है। एक चलो ठीक है, कश्मीर में था, वहाँ पे सारे बंदे आतंकवादी थोड़ी थे, सारे बंदे तो पत्थरबाज थे नहीं, लेकिन आपने 3 महीने 4 महीने 6 महीने जो भी नेट बंद किया है, जो भी सिक्योरिटी लगाई है, मार्केट बंद किया है, प्रॉब्लम तो सारे बंदों को रही है ना, ऐसे दिल्ली भी झेल लेगी, आप कुछ एक्शन तो लो उस पर, आप कुछ लेने को तैयार ही नहीं हो। सर, आज़ादी की बात करते हैं, 1947 में पूरा देश आज़ाद हो गया था, लेकिन अभी तक ये आज़ाद नहीं हुए हैं। ना, उस समय जब देश आज़ाद हुआ था, उस समय ये तिरंगे की शान बनी थी, हाँ। ये झंडा था, हाँ। उनको वो झंडा नहीं चाहिए, उनको उस झंडे से नफरत है, उनको हमारे मोदी जी से नफरत है। वो खुलेआम जब एक पार्टी का विरोध करते हैं, तो मैं कह रहा हूँ सारे लोग क्यों नहीं समझते हो कि ये देश का विरोध कर रही है। आप पार्टी का विरोध करो, कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी का प्रचार करो, हमें क्या मतलब बनता है, लेकिन आप देश का विरोध क्यों कर रहे हो,
पार्टियां ऐसी हो गई हैं कि आपस में लड़ते लड़ते अब देश को लड़ाने लग गई हैं। अब उनका क्या सीन है कि अगर कल की डेट में हमारे पाकिस्तान के नवाज शरीफ आके यहाँ से लड़ेंगे चुनाव तो वो जीत जाएंगे, कन्फर्म है वो जीतेंगे, क्योंकि लोग इतना विरोध करने लग गए हैं। अरे भैया तुम्हें 10 रुपये महंग पड़ रहा है, आप कॉलेज के प्रधानाध्यापक से मिलो, आप धरना दो कॉलेज के अंदर दो, इस कॉलेज मत स्कूल मत जाओ, क्लास मत करो, वो करो, वो धरना होता है। आप क्या सोचते हो कि भगवा के खिलाफ बोल के आप जिंदा रह लोगे? आप किसी दिन यूनिवर्सिटी से बाहर जो भगवा को छू के दिखाओ। अभी तो ये मैटर को दबा दिया गया है, किसी ने कुछ बताया नहीं है। इतने राज्य पड़े ना कि एक एक बंदे को अगर टांग के ले जाएंगे फिर भी बंदे बचेंगे नहीं, वहाँ पे एक एक ईंट उखाड़ ले जाएंगे। इसका दो ही है, इनको आज़ादी चाहिए ना, कश्मीर और पाकिस्तान के बॉर्डर पे लगा दो जेएनयू को, इधर से भी गोली चले उधर से भी चले, तब इन्हें पता चलेगा कि भारत में जेएनयू की दिल्ली में अहमियत क्या थी। दूसरा, या तो उसको गुरुकुल बना दो, सुबह भी वंदे मातरम शाम को भी वंदे मातरम। ये पता क्या इनको, हमें अगर मुझे जेएनयू में, मैं सोच रहा हूँ, अब मैं भी सोच रहा हूँ, मैंने अपने सारे बंदों से बोला है कि यार 10 रुपये में रहना खाना पीना मिल रहा है, साले को बार बार फेल होकर वहीं पढ़े रहो, क्या दिक्कत है, क्लास तो करना नहीं है, ऐसे ही धरने प्रदर्शन करते रहेंगे, जाके कहीं पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे, 7-8 हज़ार मिलेगा तो सेफ मेरा बच ही रहा है ना। ऐसे में 20 हज़ार कमा रहा हूँ फिर भी मेरा उतना ही बच रहा है, 10 हज़ार खर्चे हो जा रहे हैं, रूम रेंट आना जाना दुनिया भर के खर्चे तो हैं, उसके बाद मैं जेएनयू में जाके 10 रुपये में रह लेता हूँ, क्या दिक्कत है, एडमिशन ही तो कराना है। 55 साल तक लोग बीए कर रहे हैं ना, मैं भी 55 साल तक रिटायरमेंट ले लूँगा, जहाँ जॉब करूँगा वहाँ से तो कुछ मिलेगा। ये मैंने सारे बंदों को बोला कि आप लोग जेएनयू चलो, क्योंकि फ्री की सुविधा वहीं मिलती है, बाकी यूनिवर्सिटियाँ तो पढ़ती नहीं है, वहाँ साइंटिस्ट नहीं है, वहाँ डॉक्टर नहीं निकलते, सारे महान हस्ती वहीं से निकलते हैं, तो हम भी अपने जा रहे हैं किस्मत आजमाने। सर हमारे देश में और भी यूनिवर्सिटी है, लेकिन ये जेएनयू में सारी ऐसी घटनाएं क्यों होती है? देश विरोधी नारे और दुर्गा माँ को प्रोस्टिट्यूट बताया जाता है और अफजल गुरु को अपना आइडियल और गुरु बताते हैं। जो फंडिंग उसकी तो अफजल गुरु की ये लोग बरसी मनाते हैं, और जो उसके खिलाफ होता है वो उसको या तो क्लास में बैठने नहीं देते, मारते पीटते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि सारा जेएनयू खराब है, लेकिन अगर रोड पे जब धरने प्रदर्शन होते हैं, जब उनके साथ होते हो तो सारे ही बंदे आ जाते हो ना। आप लोग पढ़ते 8 से 10 हज़ार स्टूडेंट हैं, रोडों पे मैं 50 हज़ार देखता हूँ, कहाँ से आते हैं इतने बंदे? इसका मतलब कि आज से 20 साल तक जिन लोगों ने पढ़ाई कर लिया है वो भी उसी के अंदर बैठे हुए हैं, उसी के अंदर बैठ के अपना चला रहे हैं। मैं भी 2 गाड़ी ओला में डाल देता हूँ, उसी के अंदर बैठ के राजनीति करने लग जाता हूँ, ये चल रहा है वहाँ पे सीन। गरीब कोई नहीं है, गरीबों का मजाक उड़ा रहे हैं वो लोग।